इंडिया जो है आजकल के डेट में सेमीकंडक्टर के फील्ड में कुछ बड़ा करने जा रहा है सर। सेमीकंडक्टर फील्ड अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब लोग नहीं बना पाते। जैसे कि अगर आप देखो जनरली कार तो सर सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, हर देश में कार आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे देश अपने अपने बना लेते हैं सर, ठीक है। लेकिन सर जो सेमीकंडक्टर है ना, ये केवल पावरफुल और स्ट्रांग इकोनॉमिक वाली कंपनी ही बना सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि देश कंट्री बोल सकते हैं, जिनके पास लगभग से काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजी हो, काफ़ी बड़ा उनका इकोनॉमिक हो, काफ़ी बड़ा लगभग जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, लगभग जो है वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाए, और फ्यूचर में सिर्फ ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और पूरे मतलब वर्ल्ड को वो डोमिनेट करने की ताकत रखते हो सर, वही लोग जो है सेमीकंडक्टर की दुनिया में बड़े लेवल में काम कर पाते हैं। क्योंकि सर ये लग रही है ये बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन ये होता बहुत महंगा है। अगर आप अपने मोबाइल देखो तोड़िएगा मतलब, आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आप देखोगे ना सर, कभी भी जब पुराने मोबाइल टूट जाते हैं तो उसके अंदर ना एक ग्रीन कलर का अगर आप देखोगे तो सर मतलब जो है ग्रीन कलर का निकलता है, थोड़ा सा छोटा निकलता है, ठीक है ना, मतलब मोबाइल का साइज़ का निकलता है सर, वो क्या होता है सेमीकंडक्टर होता है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनके अंदर सर हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है। आप मोबाइल इस्तेमाल करो या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो, सर मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, घड़ी हो जा रही है या कुछ भी हो जाए सर, सबके अंदर ये सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में अगर आप देखोगे तो केवल एक छोटा सा देश है सर जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, हाँ इंडिया को भी इंक्लूडिंग इंडिया सर। जब वो अमेरिका को मतलब समझो कि ये कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, हम कंट्रोल कर सकता है, देख लो पूरे वर्ल्ड को, तो भाई ये कंपनी कौन सी है सर? तो ये जो कंपनी अगर आप देख रहे हो सर, ये है ताइवान, ताइवान, ये है चाइना, ठीक है, ये चाइना है सर और ये है ताइवान। तो ये ताइवान ये जो है पार्ट ऑफ द हम बोल सकते हैं चाइना, लेकिन सर ये जो है इनकी गवर्नमेंट अलग है, इनकी पॉलिसी अलग है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। जब चाइना में वार हो रहा था, मतलब अगर देखोगे पहले मतलब स्टार्टिंग में जब आज़ाद होने से पहले, तो इनके कुछ लोग सर भाग के यहाँ आ गए थे और उन लोगों ने यहाँ पर ही अपना मतलब घर बनाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ यहाँ पर ही कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम छोटे से देश हैं तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो छोटा हो ताकि हम इसको स्टोर करके रख पाए, और पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड पे अगर राज करना है तो सर अगर हम बड़े बड़े वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो सर हम कुछ कर नहीं पाएंगे खास। तो इन्होंने सर सेमीकंडक्टर का काम करना स्टार्ट कर दिया टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसमें अगर आप देखोगे तो सर लगभग बहुत ज़्यादा जो है कि पैसा खर्च होता है इस इंडस्ट्री को बनाने में। यहाँ पर सर सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए सबसे पहले सर पूरी तरीके से सेफ्टी का इंतजाम किया जाता है, बहुत नैनोमीटर होता है सर जो चीज़ें बनाई जाती है, बहुत स्किलफुल लोग जो होते हैं सर वही लोग इस चीज़ में सर काम कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता तो सर ये बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन सर ये होता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ जो है ना सर ऑटोमेटिक होती है, मशीन के द्वारा होती है, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इंडिया भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, काफ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा है इनके ऊपर। अगर आप देखो तो सर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो पैसा खर्च कर रही है और डेवलपमेंट भी कर रही है। हालांकि सर टाटा ने भी लगभग हाल फिलहाल में मतलब जो है काफ़ी मोटा पैसा खर्च किया, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में है सर, ठीक है, लिस्टेड मार्केट में नहीं है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो सर टोटल अगर आप देखते हो तो मतलब 18 कंपनी है जो सेमी कंडक्टर के लिए काम करती है। आज मैं उन सारी कंपनियों का नाम मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आप देखते हो आजकल के डेट में भी मतलब इंडिया डिपेंडेंट है सर सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट्स करते हैं सर, कहाँ कहाँ से करते हैं 95%, मतलब भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर सर ये 3-4 देशों ने अगर दुश्मनी कर ली ना इंडिया से तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सर, कोई भी टेक्नोलॉजी हम इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे चाइना, ताइवान, ठीक है, साउथ कोरिया और बहुत सारे ऐसे आपको जगह देखने को मिल जाएंगे जहाँ से लगभग जो ये चीज़ें लानी पड़ती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी आजकल फोकस कर रही है सर, बूस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए। सबसे ज़्यादा टाटा ने पैसा खर्च किया है और बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनी हैं उन्होंने भी खर्च किया है। बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर वाले कंपनी हैं जो चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर टोटल 18 है सर, तो 18 कंपनियों का नाम बताऊंगा, उसके बाद सर अगले वीडियो में, अगले मतलब आने वाले दिनों में एक और वीडियो बनाऊंगा, ये सारे लिस्टेड है सर, और जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद सर इन सारे कंपनियों के बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर बताऊंगा, थोड़ा लेंथी होगा, कि कौन सा सेमीकंडक्टर वाला स्टॉक बेस्ट हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन से हैं। HCL टेक्नोलॉजी सर बहुत बड़े लेवल में काम कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए, और AI के लिए भी काम कर रही है सर, केवल सेमीकंडक्टर के लिए नहीं, दोनों चीज़ों के लिए, सेमीकंडक्टर और AI के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। देखो बताने के लिए तो बहुत सारे डेटा है मेरे पास, बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सर यहाँ पर, इसलिए। फिर उसके साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़े लेवल में काम कर रहा है सर, ये सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रहा है बहुत बड़े लेवल में। उसके साथ अगर आप देखोगे ASM
टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, ये सारे स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ सर, सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि सर जिस तरीके से डिमांड है ये सारे स्टॉक्स मतलब 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं सर, ऐसे है ठीक है। यूके बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े कंपनी देखने को मिल जाएंगे, एल एन टी भी जो काम है सर, ये कंपनी भी अगर आप देखोगे तो लगभग जैसे कि अगर आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर, 5G, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्स और बहुत सारी चीज़ों में सर कंपनी जो है काम करते हुए नज़र आ रही है सर, ठीक है। एल एन टी बहुत बड़ी कंपनी, सारी चीज़ों में काम कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो लगभग टाटा इलेक्सी सेमीकंडक्टर में काम करती है सर, और ये तो लगभग सर टाटा मोटर के लिए काम करती है तो उसको सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। वेदांता भी बहुत बड़ा पैसा खर्च करने जा रहा है सर सेमीकंडक्टर के लिए, बहुत मतलब प्लान अच्छा खासा है इनका, लेकिन टाइम लगेगा। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है, ये अपने बिजनेस को डीमर्ज करके बड़े लेवल में काम करना चाहती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, ठीक है। उसके साथ साथ देख सकते हो कैनेस टेक्नोलॉजी देख रहे हो, तो ये कंपनी भी लगभग जो है काफ़ी बड़े लेवल में जो है काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेमीकंडक्टर के अंदर। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे देख सकते हैं, मोशिप टेक्नोलॉजी, ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिलेंगे, ऑल टाइम हाई पे सब देख सकते हो। सीजी पावर तो सर ये डूबी हुई कंपनी थी जो आज के डेट में काफ़ी बड़े लेवल में काम करना स्टार्ट किया है, और इस कंपनी ने भी लगभग बहुत मतलब बड़े लेवल पे अमाउंट पैसा खर्च किया है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च किया है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हो बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $791 मिलियन आपको बताया जा रहा है। मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर। ये कंपनी के बारे में तो सर मैं आपको बोला हूँ, देखिएगा मत, जितना रिटर्न निकाल के दिया है ना सर देख के डर जाओगे, सीरियसली मैं आपको बोला हूँ, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर इतना रिटर्न निकाल के दिया, स्टॉक इतना रिटर्न निकाल के दिया है, मतलब पैसे छापने की जो मशीन है ना सर वो थक जाए चलेगा, लेकिन ऐसी कंपनियां नहीं थक रही है, मतलब बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है इन्होंने। राजेश एक्सपोर्ट नीचे अगर आप देखो तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ये 12th नंबर पे देखने को मिल रहा, फिर और भी देखने को मिल जाएगा, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दिया है। SPEL सेमीकंडक्टर, उसके साथ साथ यहाँ देखो दो चार और हैं, वाटेक वैगन्स आपको देखने को मिला, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अम्मी ऑर्गेनिक जो है ये भी लगभग जो है सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम कर रही है सर, कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर। अब लोग बोलेंगे सर ये तो सर केमिकल वाले स्टॉक हैं, लेकिन सर ये लोग इन्वॉल्व्ड हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, ठीक है, इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं EV में सर टाटा क्या करता है, तो सर टाटा कार बनाता है, लेकिन जब कार बनाता है तो सर उससे और भी देखो जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, चार्जर बनाने वाली कंपनी है, चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी है, पावर वाली कंपनी है, वो सारे स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर रहे हैं, तो रिलेटेड कंपनियों को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पराज इंडस्ट्री, ये टोटल 18 कंपनी है सर जो सेमीकंडक्टर के लिए काम करते हैं डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, ये सारे लिस्टेड मार्केट में, और बहुत सारे 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अनलिस्टेड मार्केट में है सर, उनके पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो केवल स्टॉक का नाम बता रहा हूं, पूरा डिटेल में वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर जानकारी लेना आपको अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको चाहिए, कैसा चाहिए, नहीं चाहिए करके आप अपना ओपिनियन रखिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा सर। ऐसा आने वाला सर मान लेते हैं कि 20 से 30 साल जो है सर केवल सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक ही भागते हुए नजर आएंगे, और 10-20 अगर आप सोच रहे हैं कि सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर मतलब 20 गुना पैसा हो जाएगा सेमीकंडक्टर में, 30 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ सर ये सब सवाल गलत पूछ रहे हो आप, पूछो क्यों, हो जाएगा बात अलग है, कर दिया है सर आज के ज़माने में भी। RIR पावर देख लो और भी SPCL करके 3-4 स्टॉक्स ने सर कर दिया है 40-50 गुना पैसा। आने वाले अगर आप 20 सालों में देखोगे तो कम से कम सर ये लोग बहुत बड़े लेवल में रिटर्न निकाल के दे देंगे, बहुत बड़े लेवल में, बस आपको ढूंढना होगा कि कौन सा, विच वन इज़ द बेस्ट आपके लिए कौन सा है।